कि आपके मन में भी ये डाउट आता है कि आपको क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कहीं आपकी किडनी खराब ना हो जाए, या फिर अगर आप लेते भी हैं तो आपको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, या फिर आपको क्रिएटिन के कितने टाइम लेने के बाद में उसका बेनिफिट नजर आएगा। अगर ये सब डाउट आपके मन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरा नाम है सिकंदर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। क्रिएटिन को सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट माना जाता है और ये बिल्कुल सेफ है। बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर्स, बॉक्सर्स, ये सभी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। और इसके क्या फायदे हैं, ये हमारे मसल बिल्डिंग के अंदर, स्टेमिना बढ़ाने के अंदर, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर और ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, और ब्रेन फंक्शनिंग में भी कहीं ना कहीं काफी हेल्प करता है। चलो ये सब तो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये सब होता कैसे है, क्रिएटिन कैसे काम करता है? देखो, पहले तो क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। 95% ये हमारे मसल सेल्स में होता है और 5% ब्रेन और बाकी एरियाज के अंदर पाया जाता है। और जब हम इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर हैवी वर्कआउट्स करते हैं तो जो 95% क्रिएटिन है हमारे मसल सेल्स के अंदर, वो काम में आता है। और इसको लेने के काफ़ी सारे सोर्स हैं, जैसे रेड मीट हो गया और सी फूड वगैरह हो गया। लेकिन वेजिटेरियन लोग जो इसे नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, उनका जो क्रिएटिन का लेवल है वो नॉन वेजिटेरियन से थोड़ा कम पाया जाता है। तो क्या होता है जब एज अ सप्लीमेंट आप क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड क्रिएटिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एटीपी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, तो हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्कआउट कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो चलो ये तो क्लियर हो गया कि क्रिएटिन एक यूजफुल सप्लीमेंट है जो कि काफी फायदेमंद होता है। लेकिन क्रिएटिन का फायदा हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड क्रिएटिन का लेवल है वो मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए, और ये होने में कम से कम 1 हफ्ता या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो अब सवाल ये आता है कि हम क्रिएटिन को कैसे लें कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। देखो, पहले ये जान लो कि क्रिएटिन को लेने के 2 तरीके होते हैं, एक तो लोडिंग होता है, एक नॉन लोडिंग होता है। लोडिंग में क्या होता है कि कोई पर्सन जो क्रिएटिन लेना शुरू कर रहा है, वो उसका जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर हर दिन 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेता है, जिसे वो 4 डोज के अंदर डिवाइड कर लेता है, और 1 हफ्ता होने के बाद में वो 3 से 5 ग्राम तक प्रोटीन नॉर्मल डे बाय डे लेना शुरू कर देता है। लोडिंग फेज के अंदर क्या होता है कि आप 3 से 4 दिन के बाद में उसका बेनिफिट दिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉन लोडिंग के अंदर पर्सन डे 1 से ही 3 से 5 ग्राम का क्रिएटिन लेना शुरू करता है, तो उसे उसका रिजल्ट दिखने में 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? तो कई लोगों में देखा जाता है कि थोड़ा उनमें वेट गेन हो जाता है, मतलब सडन वेट गेन। तो क्रिएटिन क्या करता है कि हमारी मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, तो एक तरह से वो वाटर वेट होता है, वो फैट नहीं होता है, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। और कुछ लोगों के अंदर इसके डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको एक लिमिटेड डोज के अंदर इसे लेना चाहिए। बहुत ज्यादा लेना आपको प्यूकिंग या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स दे सकता है। क्रिएटिन को आपको डायरेक्ट मुंह में डालकर पानी ऊपर से पीकर नहीं लेना है, उसे आप पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक के अंदर या फिर पानी में मिलाकर ले सकते हैं। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन कौन सा है? देखो, मार्केट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को सबसे बेस्ट माना जाता है। एक तो ये इजीली अवेलेबल होता है और बजट फ्रेंडली भी होता है, और इसका 99% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको कब लेना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि आप इसे पोस्ट वर्कआउट या फिर प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, और अगर आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप इसे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक के साथ ले सकते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आप इसे साइकिल में लें या फिर जब तक लेना चाहे तब तक लें। तो स्टडीज में बताया गया है कि आप इसे डे 1 से 3 से 5 ग्राम नॉन लोडिंग में ले सकते हैं, और लोडिंग में भी ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं बताया गया है, बल्कि आपको इसका फायदा ही होगा। तो हर स्टडी में बताया गया है कि बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, आप इसको डे 1 से जब तक आप चाहें ले सकते हैं। ये चीज तो आपने सुनी ही होगी कि क्रिएटिन लेने से किडनी खराब हो जाती है, तो आज तक की कोई भी स्टडी के अंदर ये नहीं पाया गया कि
क्रिएटिन लेने से किडनी को कोई भी नुकसान हुआ हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई हो। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले से ही किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर से पूछे बिना आप इस सप्लीमेंट को कंज्यूम मत करना। तो आपके मन में अभी एक सवाल आ रहा होगा कि क्रिएटिन बंद करने के बाद में कहीं आपकी बॉडी जो बनी है या फिर जो आपने मसल पुट ऑन किया है वो गायब तो नहीं हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ जो आपने ATP का एक्स्ट्रा सोर्स आपने क्रिएटिन के थ्रू लिया या फिर आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही थी सिर्फ वो कम होगी, तो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आपके मसल मास में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि क्रिएटिन सबसे ज्यादा सेफ और रिसर्च सप्लीमेंट है, तो आप इसे जरूर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।